उसके बाद है इब्ने सीना, आपने सुना, यह भी है 9वीं और 10वीं सेंचुरी। इन्होंने किताब लिखी अल कानून फितिब, अल कानून फितिब। अब आप लोग सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं ना भाई, फिर हमको कैसा नहीं मालूम, हमारे बच्चों को कैसा नहीं मालूम। हम तो हमारे बच्चों को जो है स्मार्ट क्लासेस भी जाते, इतने बड़े बड़े मिशनरी स्कूल्स में भी जाते, क्या मामला है, हमारे बच्चों को कैसा नहीं मालूम, इतने बड़े बड़े हैं तो हमारा, हम खुद नहीं सीखे और हमारे बच्चों को नहीं मालूम। तो आपको बताना ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों को मालूम, मगर कैसा मालूम, मालूम इनका नाम है इब्ने सीना। तो इन्होंने क्या कर दिया, इब्ने सीना ऑल्सो नोन एज एवन सीना, एवन सीना बोलते हो किसका नाम दिख रहा, कौन की अमेरिकन दिख रहा भाई, एवन सीना। और अल कानून फितिब ऑल्सो नोन एज अल कैनन, अल कैनन बोलते किसको मालूम होता, अल कैनन, अल कैनन बोलते क्या बोलते, अमेरिका में निकाले होंगे कोई भी अल कैनन बोलते, क्या की नाम है, अंग्रेजी नाम दिख रहा, अल कानून फितिब अल कैनन कर दिए। उसके बाद इब्ने सीना को एवन सीना कर दिए। अगर हम बोले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का नाम है ओबामा ऑल्सो नोन एज बम, कैसा दिखता। तो इन्होंने क्या किया, पूरे नामों को लैटिनाइज्ड कर दिया ताकि मुसलमान नहीं पहचाने, मुसलमान पहचानना नहीं चाहिए कि इन्होंने ऐसा काम किया है मुसलमानों ने। तो इनके डेवलपमेंट को, इनके जो है उरूज को हम क्या करेंगे, गिरा देंगे, छुपा देंगे, इनकी तरक्की को छुपा देंगे। और आज हम जानते नहीं कि अमेरिका जिस तौर पर तरक्की कर रहा है इनके पीछे ये सब लोग हैं। एवन सीना नाम कर दिया, अल कैनन नाम कर दिया।